चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं फिर से अपने नए घर से कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बहुत जल्दी अब हम लोग शिफ्ट होने वाले हैं और तो काफ़ी बड़ा सेरेमनी रखा गया है, तो उसी की तैयारी अभी यहाँ पे चल रही है। सबको क्लीन किया जा रहा है यहाँ पे फटाफट से। सब काम में पूरे लगे हुए, बहुत बिजी चल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी कबाड़ है सबको क्लियर किया जा रहा है। हाँ, तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, अभी तो बहुत बिजी हैं। फिर भी कुछ भी बताइए हमारे व्यूअर्स को कि हम लोग कब तक शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे बहुत जल्द दोस्तों, और काम ने शुरू हो चुका है क्योंकि बहुत इंतजार था, इंतजार अब खत्म होने वाला। और ऊपर में खाने पीने के सब कुछ इंतजाम ऊपर में किया जाएगा, और इसलिए ऊपर के फ्लोर को क्लीन करना भी जरूरी है, तो हम लोग अभी क्लीन करना। भाई वो तो कोई काम है नहीं, जैसे शूट करनी। हाँ, मुझे तो कोई काम ही नहीं है, जैसे वो तो आप ही लोग बताइए मुझे काम है या नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा हम सब लोग बहुत एक्साइटेड है, बहुत ही खुश हैं, क्योंकि आई थिंक ये खुशी सबसे बड़ी होती है किसी के लिए भी। जब आप अपने घर में जब आप आते हो तो उसकी खुशी आई थिंक स्पीचलेस है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुश है, उसी की तैयारी, खुशी खुशी में तो चाह रहे किसी भी तरह जल्दी से हम लोग अपने घर में आ जाएं। और उसी के लिए सब तैयारी वारी हो रही है, अभी फिलहाल काम चल रहा है। और ये देखिए, ये प्लांट भी काफ़ी तेज़ी से बड़ा हो रहा है और इसमें काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर्स हो चुके हैं। और ये दो, इसमें दो कलर के फ्लावर्स हो गए, वाइट एंड पिंक। दोनों जीजा और साला एकदम लगे हुए हैं। यस, कम ऑन, कितना ताकत है अभी पता चल जाएगा। आप कितना घी खाते हैं अभी पता चल जाएगा। और सोनू तो घी खाता ही नहीं है। ठीक है, आप अपना दिखा दीजिए। लिट्टी चोखा। क्या कहा? लिट्टी चोखा। क्या हुआ? नहीं हुआ? और बहुत जल्द मेरा एक और भाई भी आने वाला है। जाम जूम जाम जूम जाम जूम। ठीक है, आदमी का भी हो सकता है, कबो लाया होगा इधर पे। और बहुत जल्द मेरा एक और भाई आने वाला है, मैं उससे भी आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराऊंगी। आने वाला है क्या मतलब है? एक और मेरा एक और भाई पटना आने वाला है। और मेरा एक और भाई जो है वो पटना आने वाला है, तो मैं उससे भी आप लोगों को अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। आप लोगों ने पहले उनके चैनल पे उनसे मिला होगा, यूनुस नाम है उसका। तो हम लोग सब वेट कर रहे हैं उसके लिए कि जल्दी से वो आ जाए, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा हम सबको। काफ़ी फटाफट कर रहे हैं आप लोग, अच्छी है, अच्छा बात है, अच्छी बात है। जल्दी जल्दी करिए फटाफट से। नाश्ता नहीं करेंगे? नाश्ता चलिए पहले नाश्ता। और पता नहीं क्यों जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना साइड पे, मुझे सच में जाने का मन नहीं करता है, एक अलग सा ही सुकून मिलता है। वो जो होता है ना कि जब आपका अपना घर होता है तो आप कहीं भी चले जाओ लेकिन सुकून आपको अपने घर में मिलता है, वो सुकून अब मिलने लगा है यहाँ पे। तो जाने का मन नहीं कर रहा अभी मेरा, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि घर पर भी काम है। क्या हुआ? ओ माई गॉड, कितना तेज चल रहा है। कान में कुछ जाता है? हाँ, को मार दे। और वहाँ पे डुगू जो है वो काइट उड़ा रहा है।
क्या हुआ? डरा दिया आपको यार। क्या हुआ? चिपकली। चिपकली से डर गए? और वहाँ पे डुग्गू है जो मस्ती कर रहे हैं। डुग्गू, डुग्गू, डुग्गू। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि बहुत बड़ी सेरेमनी होने वाली है, तो उसी के लिए मम्मी पापा अभी शॉपिंग के लिए गए थे सारा सामान लेने के लिए। अभी वो लोग सब लेके आ चुके हैं और अभी मम्मी दिखाएंगी क्या क्या लाई है। अच्छा, यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। हाँ, इसका बनेगा पुलाव। सामान, आलू, जितना काटना है सब वहाँ जाएगा, सब वहाँ घर पे। अच्छा, सब वहाँ का है सारा? सब वहाँ का। और ये सब? ये सब घर का है। ठीक। और यहाँ पे झाड़ू भी आ गया है नया नया। तब सोनू मजा आ रहा है। तो अभी फिलहाल सबकी हालत एकदम टाइट है और अभी अम्मी लोग बहुत थक चुके हैं क्योंकि बहुत सारा सामान अम्मी पापा लेके आ रहे हैं और अभी इसको शिफ्ट करते हैं जहाँ जहाँ का ये सामान है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो जैसा कि मैंने अभी आप सबको दिखाया खिचड़ा और चिकन, तो आज है मुहर्रम की 10वीं तारीख। तो 10वीं तारीख को हमारे यहाँ पे हम लोग खिचड़ा बनाते हैं। खिचड़ा उसको बोलते हैं जब आप पुलाव में चने दाल को ऐड करके बनाते हैं तो उसको खिचड़ा बोलते हैं और सबके घरों में ये बनता है। तो वही हम लोग अभी बना रहे थे। तो सब कुछ लगभग रेडी हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा बिजी सब लोग ही चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि वहाँ पे घर पे काफ़ी तेज़ी से सारा काम हो रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग बिज़ी चल रहे हैं अभी। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे मेरी अम्मा बैठी हैं जो कि अभी 2 दिन के लिए चली गई थी मामू के यहाँ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उनको फ़ोन करके बुला लिया कि आप जल्दी से आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और वहाँ पर अम्मी हैं और यहाँ पे अम्मी। कहाँ जा रही हैं आप?